हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सागोदाना की खीर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ 80-100 ग्राम सागोदाना लिया है एक बाउल में। इसको अच्छी तरह से मसल मसल कर धो लीजिए। सागोदाना से एक वाइट वाइट पाउडर निकलता है, उसको आप अच्छी तरह से निकाल लीजिए। मैंने इसको तकरीबन 3 बार साफ पानी से धोया है। इससे जो पाउडर निकलता है फ्रेंड्स, इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपकी खीर या आप खिचड़ी या जो भी आप सागोदाना से बनाते हो वो बहुत चिपचिपा सा बनता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसको भिगोने से पहले अच्छी तरह से 2 या 3 पानी से साफ करके धो लें और सारा वाइट वाइट इसका पाउडर निकाल लें। तो फ्रेंड्स, अब हमारा सागोदाना अच्छी तरह साफ हो गया। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको 4 या 5 घंटे के लिए भिगोने रख दूंगी, उसके बाद हम इसकी खीर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको अच्छी तरह से धो के रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम खीर बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए एक पैन में थोड़ा घी डालिए, घी को मेल्ट कर होने दीजिए। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, अखरोट, कैशू, बादाम और छुहारा। फ्रेंड्स, इनको आप थोड़ा स्लो आंच पे भूनिए। इसमें थोड़ा मूंगफली ऐड करिए। फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो भी ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं आप वो सारे व्रत में खा सकते हैं। तो ये व्रत में खाने के लिए और ब्रेकफास्ट में खाने के लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी है। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा किशमिश को भी भून लीजिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने साबुदाना 5 घंटे पहले भिगोया था ये बिल्कुल फूल गया है। अब आप एक भगोना लीजिए, उसमें आप 1/2 लीटर से थोड़ा कम दूध डालिए। दूध को थोड़ा अच्छे से बॉईल होने दीजिए। बीच बीच में से दूध को हिलाते रहिए। फ्रेंड्स, ये जो अखरोट था इसको थोड़ा आप टुकड़ों में डालिए और ये छुहारा भी आप काट के डालिए, क्योंकि इसमें एक बीज होता है, उसको आप निकाल लीजिए और इसको ऐसे कट करके खीर में डालिए। दूध को हमने सिम आंच पे ही गरम करना है। फ्रेंड्स, हमारा दूध जैसे ही उबलेगा इसमें हमने भीगा हुआ सागोदाना डाल देना है। मैंने इसमें 1 कटोरी भीगा सागोदाना डाल दिया। फ्रेंड्स, अब आपने इसको पकने देना है, कम से कम 5 या 7 मिनट आपने इसको दूध में पकने देना है। ये बहुत जल्दी पक जाता है क्योंकि हमने इसको काफ़ी टाइम पहले भिगो दिया था। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कितनी अच्छी तरह से आपका सागोदाना पर्ल की तरह बनके दिख रहा है। अभी इसको 2-3 मिनट्स और उबलने दीजिए। फ्रेंड्स, अब ये ऑलमोस्ट हो गया है। आप इसमें जो भी हमने ड्राई फ्रूट भून के रखे थे डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से मिलाइए। फ्रेंड्स, इसमें अब आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी चीनी डालिए और इसको अच्छी तरह से मिलाइए। और अब सागोदाना की खीर बनकर रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, जैसे ये ठंडी होगी ये थोड़ा सॉलिड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप एक प्लेट में डाल के देखिए कि आपकी सागोदाना की खीर थोड़ी सी घनी हो गई है। और फ्रेंड्स, आपके लिए ये एक बहुत अच्छी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आप चाहें तो इसको व्रत में भी खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।